एक शारदीय नवरात्र। पंडित जी, नवरात्र शुरू हो रहे हैं, गुप्त नवरात्र 12 तारीख से। जी जी जी। तो गुप्त नवरात्र का महत्व क्या है, इसमें कैसे पूजा करनी चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी जी भैया, नवरात्रों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। बगैर शक्ति के भगवान शिव भी सब हैं, अगर उसमें से शक्ति हट जाती है तो भगवान शिव भी सब हैं। दो नवरात्र तो हमारे यहाँ जो प्रत्यक्ष रूप में आते हैं, प्रत्येक मनुष्य रखता है, एक वासांतिक नवरात्र जो चैत्र में आता है, एक शारदीय नवरात्र, लेकिन इनके बाद भी दो नवरात्र हैं जिनको हम गुप्त नवरात्र बोलते हैं। इन गुप्त नवरात्रों में गुप्त विद्याओं का पूजन होता है, तांत्रिक जगत का पूजन होता है। इसमें 10 महाविद्याएं, इनका सबका सिद्धि, इनका सबका साधना इन्हीं में किया जाता है। तो इन ये नवरात्रे हमारे तपस्वियों के लिए, हमारे तांत्रिक जगत के लिए एक वरदान स्वरूप है। क्या पूजा करनी चाहिए इन नवरात्रों में आम आदमी को, अगर वो करता है तो? अगर किसी को भगवती लक्ष्मी के साधना के लिए कोई पूजन करना है तो इन नवरात्रों में विशेष मुहूर्त को देख करके बहुत जल्दी भगवती लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। क्योंकि आजकल हर व्यक्ति का प्रश्न यही होता है, पंडित जी लक्ष्मी की उपलब्धता अच्छी नहीं हो पा रही है। अगर हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कोई व्यवधान आता है तो इन गुप्त नवरात्रों में भी आएगी तुम्हारे बसंत पंचमी, माता सरस्वती का जन्म दिवस, इस दिन से साधना शुरू की जाती है और नवमी तक पूजन करके उसका यज्ञ इत्यादि होता है। उससे हमारे परिवार में संतानें बड़ी बुद्धिमान जन्म लेती है और बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई की बाधाएं नष्ट हो जाती है। तो जितनी भी गुप्त 10 विद्याएं हैं सब इन नवरात्रों में एक तरीके से जागृत होती हैं। अगर इनको किसी तरीके से पूजन भजन किया जाए तो बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और इनकी जल्दी कृपा प्राप्त होती है। तो ये है दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसा रहेगा इस नवरात्र गुप्त नवरात्र में? हाँ बिल्कुल, बात ठीक है। अन्य नवरात्रों की अपेक्षा इन नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ 10 गुना अधिक फल देता है। जैसे कि अगर केवल हम नवार्ण मंत्र ही जाप करें, नवार्ण मंत्र भी वैसे तो क्या, नवार्ण मंत्र थोड़ा सा बताएंगे क्या? जी 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 बिल्कुल। नवार्ण मंत्र हमारे यहाँ लास्ट में दुर्गा सप्तशती में दिया गया हुआ है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवार्ण मंत्र है। और इसका पूरा मंत्र जो है, वैसे तो अगर पूरा मंत्र केवल 32 ही माला हो जाए तो 125,000 नवार्ण मंत्र का फल देता है। और गुप्त नवरात्रों में ये दुर्गा माता का पूर्ण मंत्र ही जपना चाहिए। वो यूं है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ग्लौं ह्रीं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हं सं लं छं पट स्वाहा। इस मंत्र का अगर व्यक्ति मात्र 32,000 जाप कर ले तो उसको दुर्गा के पुरस्कार का फल बड़े सहजता में प्राप्त हो जाता है और वो दुनिया में मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण इन सबसे सुरक्षित रहता है। गुप्त नवरात्रों में किया जाए, इसलिए गुप्त नवरात्रे गुप्त है और सबसे ही अच्छी है।